फ्रेंड्स, ईस्टर एग का क्या महत्व होता है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह पे कलरफुल प्लास्टिक एग्स रहते हैं, तो वो क्यों होते हैं, उसके पीछे उसका रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स, ईस्टर एग जो रहता है, जो एग जो बेसिकली रहता है, वो एक सिंबलाइज करता है लाइफ को या बर्थ को, क्योंकि एक एग में से ही किसी बर्ड का निर्माण होता है। जैसे एग में से ही चिकन पैदा होता है, तो उसमें से एक बर्थ होता है, तो वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है या बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और जीसस क्राइस्ट का भी रीबर्थ हुआ था, तो लोगों ने उसको भी ये भी मान्यता कर दी कि दिस इज ऑल्सो अ सिम्बॉल ऑफ बर्थ, जो एग है। इसीलिए तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट करने लग गए एग, उसको डेकोरेट करते थे, और पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे को एग्स गिफ्ट किया करते थे कि आपके घर पे समृद्धि आएगी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड ऑल। और फिर ये वैसे भी ईस्टर स्प्रिंग में आता है, जो ऑलरेडी जिसमें पेड़ों को नए नए पत्ते आते हैं, खुशहाली रहती है, तो वो एग भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और अभी तो, पहले तो रियल एग्स लोग देते थे, लेकिन अभी प्लास्टिक एग्स मिलते हैं मार्केट में, या चॉकलेट के एग्स रहते हैं, तो वो भी एक दूसरे को लोग गिफ्ट करते हैं एज अ सिम्बॉल ऑफ फर्टिलिटी, या फिर प्रॉस्पेरिटी, एज अ सिम्बॉल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशी, ऐसे इस तरीके से लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। और बहुत अमेरिका में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है इसके रिलेटेड, और जो बहुत ज़्यादा होता है वो है एग हंट। तो वो भी मैं आपको आगे वीडियोज़ में दिखाऊँगी, आपको मैं दिखाऊँगी कि एग हंट में क्या होता है, क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं ईस्टर एग हंट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, एंजॉय भी करना, ईस्टर बनी के साथ फोटोज क्लिक करना, अगर आप एग हंट एंजॉय कर सकते हैं तो वो करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज ऑन ईस्टर। थैंक यू।